पश्चिम उत्तर प्रदेश के युवाओं को अब मुरादाबाद के प्रमुख प्रतियोगी शिक्षण संस्थान चाणक्य प्रतियोगिता एकेडमी मुरादाबाद में उच्च कोटि की कोचिंग सैनिक स्कूल और एनडीए के लिए मिलेगी। नए सत्र 2023 में एडमिशन के लिए नए बैच 1 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। मुरादाबाद के छात्रों के लिए ये अच्छी शुरुआत है कि उन्हें अब सैनिक स्कूल और एनडीए की कोचिंग के लिए मुरादाबाद से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मंगलवार 1 मार्च को जारी हुए सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में संस्थान के 3 छात्रों का चयन हुआ है। संस्थान की छात्रा इशिता सिंह का चयन सैनिक स्कूल घोड़ाखाल नैनीताल में, छात्र तन्मय सिंह का चयन सैनिक स्कूल झांसी में तथा एक छात्र का चयन क्लास 6 में सैनिक स्कूल कालीबंगा राजस्थान में हुआ है। चाणक्य प्रतियोगिता एकेडमी के चेयरपर्सन विपिन गोयल ने तीनों सफल स्टूडेंट्स और उनके माता पिता को बधाई दी है। संस्थान के संचालक केतन गोयल ने बताया कि स्टूडेंट्स की सफलता के लिए संस्थान के शिक्षक बधाई के पात्र हैं। जी सर, इस बार जो हमने बैच शुरू करा था, ये हमने नवंबर एंड में शुरू करा था और 3 बच्चे इस बैच में आए थे और महीना भर ये बैच चला था। तो जितने टीचर्स हैं सबने बड़ी मेहनत करी बच्चों के ऊपर और उसका रिजल्ट ये निकला कि जो 3 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था वो तीनों ही बच्चे सेलेक्ट हो गए। एक बच्ची है इशिता सिंह, जिसका क्लास 6 सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में एडमिशन हुआ है। दूसरा स्टूडेंट है तन्मय सिंह, जिसका सैनिक स्कूल झांसी में एडमिशन हुआ है। एक स्टूडेंट है गौतम अरोड़ा, जिसका एडमिशन कालीबंगा राजस्थान सैनिक स्कूल में हुआ है। और इस तरीके से देखा जाए तो लगभग 100% रिजल्ट हो गया, क्योंकि 3 ही बच्चों ने एग्ज़ाम दिया और तीनों का ही चयन हो चुका है। और अब हमारी कोशिश ये रही कि आगे भी हम इसी तरीके से इस बैच को चलाएं, क्योंकि हम अप्रैल से शुरू कर रहे हैं। लास्ट ईयर तो हमने 1 महीने के लिए चलाया था, अब हम इसे पूरे साल के लिए बैच को चलाएंगे। और सिर्फ सैनिक स्कूल का बैच ही नहीं, एनडीए का बैच भी चलाया जाएगा। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि नेक्स्ट ईयर भी हम इसे 100% ही इस रिज़ल्ट को रखें। और अब आपने देखा होगा कि इससे पहले मुरादाबाद और इसके आसपास के क्षेत्रों में सैनिक स्कूल की और एनडीए की तैयारी नहीं करनी जा रही थी, और अब स्टूडेंट्स को अपने ही शहर में अपने घर रहकर अपने परिवार के साथ सैनिक स्कूल की और एनडीए की तैयारी भी अपने शहर में मिल जाए। आपको बता दें कि चाणक्य प्रतियोगिता एकेडमी में अभी तक सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा के लिए 3 स्टूडेंट्स ने तैयारी की है और सभी ने सफलता हासिल की है।